तो यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं एक बेहतरीन अपडेट, जो अपडेट है मनरेगा मिट को लेके। और इतना ही नहीं, ग्राम रोजगार सेवक और पंचायत सहायक में कहां समस्याएं हो सकती हैं, चूँकि अब ग्राम विकास विभाग के द्वारा अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के द्वारा एक शासनादेश जारी किया गया है, जो शासनादेश 22 अगस्त को जारी किया गया था, समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक और जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश के नाम। इसका विषय है मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा MIS पर वर्क ID जनरेट करने से लेकर अकुशल मजदूरों की मजदूरी, स्किल्ड सेमी स्किल्ड की मजदूरी, मटेरियल और एडमिन लिस्ट भुगतान हेतु ग्राम पंचायत के लॉगिन से किए जाने के संबंध में। महोदय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे परिवारों के वयस्क सदस्यों को मांग के अनुरूप 100 दिनों का गारंटी युक्त अकुशल श्रम का रोजगार उपलब्ध कराना, ग्रामीण अवस्थापना कार्य और अस्थायी परिसंपत्तियां सृजित करना प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों, ये शासनादेश कंप्लीटली मनरेगा को लेके है कि ग्राम रोजगार सेवक जो काम देख रहे थे, उस काम को अगर पंचायत सहायक को लॉगिन ID के माध्यम से दे दिया जाए तो क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। दोस्तों, प्रदेश में महात्मा गांधी नरेगा योजना के फील्ड स्तर पर क्रियान्वयन के अंतर्गत काम की वर्क ID निर्गत होने से लेकर श्रम एवं सामग्री के भुगतान संबंधित समस्त कार्यवाही वर्तमान में विकासखंड स्तर से संपादित की जाती थी। विकासखंड स्तर से समस्त कार्य संपादित होने के दृष्टिगत योजना के अन्य मूल कार्य यथा श्रमिकों द्वारा मांग पत्र उपलब्ध कराने, मास्टर रोल प्राप्त करने, मास्टर रोल जमा करने आदि प्रक्रियाओं हेतु ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मियों की विकास खंड स्तर पर निर्भरता बनी रहती है, जिससे समय व संसाधनों का सदुपयोग न होने के साथ साथ ग्राम पंचायतों के कार्य भी प्रभावित होते हैं। इस दृष्टिकोण के संबंध में ग्राम पंचायत के मजबूतीकरण और समस्याओं के निराकरण हेतु मनरेगा योजना के अंतर्गत MIS पर अब कुछ काम ग्राम पंचायत स्तर से किए जाएंगे, यानी कि जो काम विकासखंड स्तर से होता था, अब वो काम आपके ग्राम पंचायत भवन से होगा। पहला काम है श्रमिकों से काम हेतु प्राप्त मांग को रिसीव करना और MIS पर अंकित करना। नंबर 2, स्वीकृत कार्य योजना में से वर्क ID जनरेट करना। नंबर 3, काम का एस्टीमेट तैयार करना, यानी TA के माध्यम से सिक्योर द्वारा काम की तकनीकी वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करना, पंचायत सचिव JE व कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से सिक्योर करना, काम की जियो टैगिंग करना, श्रमिकों को मांग के सापेक्ष ससमय काम का आवंटन करना। नंबर 7, ई मास्टर रोल जारी करना या निकालना। नंबर 8, ई मास्टर रोल की अवधि समाप्त होने के उपरांत नरेगा वेबसाइट पर मास्टर रोल फीड करना। तो दोस्तों, ये सारे काम जो भी हैं, ये सारे काम अब आपके ग्राम पंचायत भवन पर पंचायत सहायक और ग्राम रोजगार सेवक के देखरेख में होंगे। आखिरी है फीड किए गए मास्टर रोल की वेज लिस्ट बनाना। जी हाँ दोस्तों, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार अब MIS फीडिंग का उत्तरदायित्व किसे सौंप रही, इस चीज़ को जानना बेहद आवश्यक है। MIS संबंधी उपरोक्त वर्णित कार्यों का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत रोजगार सेवक तथा ग्राम रोजगार सेवक ना होने की स्थिति में पंचायत सहायक का होगा, यानी कि सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं किस तरीके से कौन सा काम किसको करना होगा। वर्तमान समय में अधिकांश पंचायतें नगर सीमा से आ रही हैं, जिससे पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। अतः जब इन पंचायतों के रोजगार सेवक रिक्त पंचायतों में समायोजित होंगे तो मनरेगा के कार्यों में पंचायत सहायक से टकराव की स्थिति बन सकती है, जिससे मनरेगा भी प्रभावित होगी व अनावश्यक रूप से कोर्ट केस भी बढ़ेंगे, जिसे रोका जा सकता है। अगर मैं बताऊं आपको आने वाले समय में किस तरीके से 26 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश मनरेगा कर्मचारी महासंघ के मांग पत्र के क्रम में अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के कार्यवृत्ति के क्रम संख्या 12 के अंतर्गत स्थिति स्पष्ट है। संलग्न कार्यवृत्ति के अनुसार मनरेगा के कामों की संपूर्ण जिम्मेदारी ग्राम रोजगार सेवक या पंचायत सचिव को ही दिया जाए। दोस्तों, ग्राम विकास विभाग में मनरेगा के अंतर्गत पर्याप्त कर्मचारी हैं, अतः दूसरे विभागों के कर्मचारियों को मनरेगा संचालन में सम्मिलित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। दोस्तों, ये भी एक शासनादेश का ही मैं आपको पढ़ के सुना रहा था। तो आने वाले समय में अब सरकार ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि कौन सा काम ग्राम रोजगार सेवक को करने हैं, कौन सा काम पंचायत सहायक को करने हैं, कहाँ पर दोनों के बीच टकराव हो सकता है मनरेगा काम को लेके, इस चीज़ को मैं इस वीडियो में स्पष्ट कर दिया हूँ। फिर भी आपको कहीं कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं
हर एक कमेंट को बखूबी जवाब देता हूँ। निवेदन करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।